नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे राज आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, शुगर रोग के बारे में। शुगर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और यह अब धीरे धीरे महामारी का रूप धारण करने जा रही है, चक्कर रही है। शुगर का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब हम बहुत काफ़ी शुगर सोचते ही, शुगर सुनते ही हमारी बीमारी मानसिक रूप से बढ़ जाती है, मानसिक रूप से हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। शुगर का ठीक होना बहुत आसान है। शुगर पे हम आपको एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नुस्खा देने जा रहे हैं, जिससे आप परमानेंट शुगर मुक्त हो सकते हैं, आजीवन शुगर मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा नुस्खा देने जा रहे हैं आपको, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो हमारे मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, आप कमेंट दें, इससे हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और इस पे वीडियो बनाएंगे, अधिक से अधिक बातें करेंगे, अधिक से अधिक औषधियों का विवरण देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं शुगर है क्या, शुगर रोग क्या है। शुगर एक सामान्य बीमारी है, माने रोग नहीं है। ये क्या है, हमारे गलत रहन सहन, गलत खान पान, गलत आहार व्यवहार के चलते आता है। तो अगर हमारे गलत रहन सहन, गलत खान पान और गलत आहार व्यवहार के चलते आता है और इस गलत रहन सहन आचरण को सुधार लेते हैं, खान पान को सुधार लेते हैं, तो ठीक हो जाता है। होता क्या है कि हमारे जो भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, मिनरल, विटामिन का सेवन करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो भोजन के रूप में लेते हैं, ये 2 से 3 घंटा के अंदर जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन के बाद में ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिणत होता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से सीधे सेल में पहुंचता है। लेकिन अकेले सेल में सीधे नहीं पहुंचता है, ये इंसुलिन के माध्यम से, ये ग्लूकोज इंसुलिन के माध्यम से हमारे सेल तक पहुंचता है। और अब समस्या क्या है कि कभी कभी इंसुलिन जब कम बनने लगता है तो सेल जो है जितना इंसुलिन बनता है उसी हिसाब से ग्लूकोज को एक्सेप्ट करता है और जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, ग्लूकोज अधिक मात्रा में है, इंसुलिन कम है, सेल अपना कैपेसिटी जितना है उतना लेता है, बाकी छोड़ देता है। जब सेल एक्सेप्ट नहीं करता है बाकी ग्लूकोज को तो ये ग्लूकोज रक्त में घूमते हैं और ये मैसेज जाता है लीवर को और ये लीवर हमारे इस ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में परिणत कर देता है और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में परिणत होना हमारे शरीर के लिए गंभीर बात है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो शरीर में अन्यान प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है, जैसे किडनी, स्किन, आईज प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित, माने नस नाड़ियों से संबंधित, ब्लड का थक्का जमना, ये सारा बीमारी जो है ना क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसके परिणत होने से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से पैथोजेनिक
बैक्टीरिया जो है नष्ट होने शुरू हो जाती है, माने हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी है कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है और हम रुग्ण होना शुरू हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि अगर आपको इसको रोकना है, ठीक होना है, तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है और ग्लूकोज में परिणत होता है तो इसको जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज को जो आप शुगर की दवाइयां खाते हैं तो शुगर की दवाई क्या करता है, पेंक्रियाज को क्रिएटिव करता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देता है। दो ही तरीका है इससे बचने का, या तो आप पेंक्रियाज को क्रिएटिव करें, इंसुलिन की मात्रा बढ़े, या आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर दें। अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं तो शरीर को एनर्जी मिलना कम हो जाता है, वीकनेस फीलिंग होना शुरू हो जाता है, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उधर ग्लूकोज ज़्यादा बनने लगता है। तो ये शुगर की दवाइयाँ आप कब तक ले करके पेंक्रियाज को क्रिएटिव बनाएंगे, इंसुलिन को बनाएंगे और ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और डाइसाइक्लिन जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ठीक होना है, स्वस्थ होना है, तो बहुत ही सिंपल एक सिस्टम है, सिस्टम को हम बताते हैं, सिस्टम का पालन करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आहार में आप एक आटा बताते हैं, जैसे जौ, गेहूं, चना, हरा मूंग, मक्का, बाजरा, इस सब को एक साथ बराबर बराबर मात्रा में लेकर के पिसवा दें और इसका रोटी खाएंगे तो इसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और फाइबर भोजन के पाचन के लिए भी, सेहत के लिए भी और कॉन्स्टिपेशन फ्री होने के लिए कारगर काम करता है। इसके साथ हमने आपको पहले भी बता चुका है, आज बताते हैं आपको कि शुगर का शास्त्र के हिसाब से शुगर का इलाज है कटु, तिक्त और कास्य। कटु मने कड़वा, तिक्त मने तीता और कसाय मीन्स कसा। तो जो जीभ पे रखते हैं और कटु कड़वा लगता है, तीता लगता है, कसाव लगता है, ये हमारे सेहत के लिए इस शुगर के लिए औषधि हो गई। तो इस स्वाद के हिसाब से आप जड़ी बूटियों का सेवन करें, औषधियों का सेवन करें और आप शुगर मुक्त हो जाएंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, आप नोट करिए, गुड़माल की पत्ती, विद्यासार का लकड़ी, गुरुच का पाउडर चूर्ण, आप इंद्रजौ, शुगर बादाम, आप फटवास ले लें, इन सब का बराबर बराबर मात्रा में लेकर के, सबके बराबर बराबर मात्रा में लेकर के उसके ठीक चौथाई भाग, यानी अगर सब आपका एक किलो हुआ तो 250 ग्राम जामुन के गुठली और 250 ग्राम आम के गुठली का बीज, अंदर का बीज का चूर्ण आप मिला लें और इसका एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम सेवन करें। हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 दिन से 45 दिन के अंदर शुगर लेवल एकदम लेवल में आ जाएगा, बिल्कुल सिस्टम बराबर हो जाएगा। तो आप इसका सेवन करें, इसका लाभ उठाएं और आगे के वीडियोज में, चूँकि एक पार्ट में ख़त्म होने वाला है नहीं, तो आगे के वीडियोज में कुछ और औषधियाँ आपको बताएंगे जो शुगर को ठीक करने के लिए कारगर है। और आप इस वीडियो में बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
जितना इस विषय पे आप कमेंट करेंगे उतना ही बेहतर और बढ़िया वीडियो हमको बनाने में सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।